यहाँ पर हमें एक काली भूलन भी मिल गया है। ये देखिए काली भूलन का पौधा मैंने YouTube पे पहले भी दिखाया है आपको, आप इस पौधे को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत ही सुहावने दिखती हैं और इसका जड़ बहुत ही चमत्कारी होता है। इसके जड़ से बहुत सारे तंत्र प्रयोग किए जाते हैं और महिलाओं के रोग के लिए भी काफ़ी यह चमत्कारी दवा माना जाता है। कचवाही नाम का जो रोग होता है महिलाओं का, उसके लिए बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। प्रत्येक महिलाओं का जो बच्चे को जन्म देती हैं उसके बाद इस जड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस जड़ी को पीस करके गर्म पानी के साथ पिलाया जाता है तो कचवाही नामक रोग से सुरक्षा होती है। और कचवाही रोग यदि किसी महिला को हो गया हो तो मात्र 3 खुराक में ही कचवाही का रोग समाप्त हो जाता है। चलिए हम जानते हैं अपने वैद्य भाई से कि क्या काम करता है यह काली भूलन। और ये देखिए नीचे यहाँ पे काली भूलन भी निकल गया है। ये देखिए इसका जड़ है, यह काले काले गुच्छे के समान होता है और यह बहुत ही चमत्कारी है आयुर्वेद और तंत्र दोनों के लिए। एक काली भूलन का जड़ है, किसी जो लेडीज़ महिला को अगर जो निमसी महीना मासी अगर गड़बड़ी अगर चलता है उसको सील पत्थर में पीस के पानी में मिला के 3 खुराकी पिला दीजिएगा, उसका निमसी सही हो जाता है। अब जो लेडीज़ जो है तो उसका जैसे जो बच्चा जैसे जो होता है तो कछुआ जो होता है कछुआ ठंडा तो किसी जड़ी बूटी का कोई ज़रूरत नहीं लगता है, उसका लिए एक फ़ायदा काम करता है। इसको पीस के या पानी में गर्म कुनकुना गर्म पानी के साथ मिला के पिला दीजिए काली भूलन का जड़, उसका 3 खुराकी में सही करता है। ये जड़ी है देख लीजिए, काली भूलन जड़ सहित हमने आपको पौधा निकाल करके दिखा दिया है। ये बहुत ही चमत्कारी जड़ी है और यह सामान्य तौर पर जंगलों में नहीं प्राप्त होता है, बहुत ही दुर्गम पहाड़ों पर ही या फिर दुर्गम जंगलों में ही प्राप्त होता है। तो ये हमारे साथी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और ऐसे जड़ी बूटियों को कोड़ करके खोद करके निकाल करके आपको दिखा रहे हैं और जानकारी बता रहे हैं।